सो हम लोग के अंदर बहुत सारी जिज्ञासा थी ताजमहल घूमने के लिए कि भैंस यहाँ कितनी अच्छी है, बिल्डिंग बनवाया किसने। सो हम लोग चले गए जल्दी से ताजमहल की एंट्री गेट पे और देखिए छोटा सा एक ताजमहल सा दिख रहा होगा। फिर हमने ये ताजमहल देखो ये ऐसा दिखता है मेन गेट से। फिर हम थोड़ा गेट के अंदर गए, यहाँ बहुत सारा क्राउड था, बहुत सारे विदेश चाइना जापान के लोग यहाँ आते हैं ये खूबसूरत सा नज़ारा देखने। सो हमारे साथ यहाँ ने बहुत अच्छा बिल्डिंग और ये इमारत बनवाई। ये देखिए ताजमहल कितना सुंदर और भव्य रूप धारण किए हुए आलिशान महल दिख रहा है। ये सारे बहुत सारा क्राउड था, यहाँ से हम धीरे धीरे अंदर की ओर प्रवेश लिए। फिर ये देखिए थोड़ा पास से है तो ये ऐसा दिखता है, यहाँ कई सारे लोग फोटो शूट कपल शूट बहुत सारे लोग करा रहे थे। ये हमारे फ्रेंड हैं हमारे साथ, ये इनके फैमिली के साथ हम आए थे, और हमारी फैमिली नहीं, हम बैचलर आए थे। ये हमारे साथ कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, तो इससे हमने इंट्रोडक्शन लिए, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो काफ़ी इंजॉय लगता है, आप अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी मम्मी एंड देन योर सिस्टर आप आके यहाँ घूम सकते हो। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, ये नॉर्थ का खाना ऐसा कुछ है, आई डोंट एक्सप्लेन दिस नेम, ऐसा ही कुछ है। और चलिए और कुछ दिखाते हैं। तो हमने ये सब चीज़ें देखी और फिर ये देखिए कि चाइना के लोग देखने, उन्होंने फ़ोटो नहीं खिंचवाई हम लोग के साथ, मना कर दिया। पर कई लोग ये देखिए हमारे इंडियन कल्चर, साड़ी पहनना बहुत ज़रूरी है। देखिए बाहर के लोग आके यहाँ पे साड़ी पहनते हैं, इतना अच्छा ड्रेसेस सेंस है यहाँ। कुछ गाइड लोग यहाँ पे टूरिज्म को गाइड कर रहे थे, चीज़ें बता रहे थे, ये हमने दिखाई। ये देखिए ताजमहल यहाँ से इतना अच्छा दिखता है। फिर अभी हम चलते हैं अंदर की ओर, ताजमहल के अंदर भी लोग जाते हैं, देखते हैं अंदर कैसा है। ये ताजमहल के सामने ये रेड किला बना हुआ है, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, जस्ट बगल में ही है, ये चारों तरफ बना हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग ये पहन लेते हैं जूते ताकि गंदा ना हो अंदर। और ये फिर देखिए ताजमहल के ऊपर से देखो तो सामने वाला रेड किला ऐसे दिखता है। उसके बाद हम ये अंदर जा रहे हैं, देखिए अंदर सारे लोग जा रहे हैं, फिर अंदर हम लोग भी गए। फिर ये देखिए यहाँ से ये रेड किला ऐसे दिखता है, बहुत ही अच्छा। मतलब पहले के लोग बताओ कितने एजुकेटेड थे, आज के लोग ऐसे नहीं बना पाएंगे बिल्डिंग। अब ये देखिए ताजमहल अंदर से ऐसा कुछ दिखता है, बहुत ठंडा है अंदर, मतलब इतना ठंडा कि क्या बताएं। बहुत अंदर यहाँ कमांडो पुलिस मिलिट्री फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे कैमरा ले जाना मना है, फिर भी हम चुपके से ले गए थे, हल्का फुल्का दिखा। ये देखिए हमारे जस्ट बगल से कैसा दिखता है, चारों तरफ से सेम गेट है, सेम इमारतें, मतलब ऐसा लगेगा कि एंट्री गेट किधर से। काफ़ी अच्छा लगा। ये देखिए बाहर के लोग, ये पता नहीं कहाँ के, आप जान सकते हैं कमेंट में करके बताइए। देखिए कितना सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर, मेरा दिल आश्चर्य हो गया। शाहजहाँ ने अपने प्रेमिका के लिए बनवाते हैं, प्रेमिका के लिए लोग बैलेंस नहीं डलवाते। और देखिए ये जहाँ पे जोधा अकबर, अगर आपने मूवी देखी होगी तो यहीं शूट हुई थी, रेड फोर्ट बोलते हैं इसे। काफ़ी अच्छा, यहाँ से जो शाहजहाँ या को बंदी बना लिया गया था, तो शाहजहाँ जी को यहीं से ताजमहल के दर्शन कराए जाते थे। अभी हम उस जगह ले चलते हैं जहाँ पे ताज शाहजहाँ जी को बंदी बनाया गया था, और बंदी बनाने के बाद वहाँ से रेड ये ताजमहल दिखता है। अब देखिए अंदर चल रहे हैं, अभी यहाँ है ये, यहाँ पे बंदी बनाया गया था, यहाँ से शाहजहाँ अपनी याद जवाती थी मुमताज जी की, यहाँ से अब वो ताजमहल देखा करते। देखिए कितना सुंदर रूप धारण किए हुए है ताजमहल। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ, हमारी वीडियो कैसी लगी।